हमारी कैपेसिटी जो है हम 6000 क्यूसेक पानी ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा जो एक इसका पोर्शन था पैकेज 3 जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना था, वो इस साल उन्होंने हमें फंडिंग उसकी नहीं दी पैकेज 3 की। तो उसके बहरहाल हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर हमें वो फंड्स मिल जाते हैं तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है पटफीडर कैनाल का उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे। खिरतर कैनाल की सिचुएशन इस वक्त ये है कि हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है NWC पे, नॉर्थ वेस्ट कैनाल, जहाँ से फिर खिरतर जो है ऑफटेक करता है NWC से। तो 70-30 पे 30% फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करेगी उसका, और 70% गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी कि हम उसको अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी पे ले आएँ। इस वक्त हमारा जो शेयर है NWC में बलूचिस्तान का वो है तकरीबन 2400 क्यूसेक, लेकिन इस वक्त जो हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं वो 1900 क्यूसेक हम पानी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अगर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर अगर ये काम हो जाता है इस कैनाल का, तो हम अपने मैक्सिमम शेयर जो है हमारा 2400 क्यूसेक इंशाल्लाह ड्रॉ करेंगे। और पट फीडर का जो अगर हमारा जो बेसिक आफ्टर रीमॉडलिंग इसका जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो है 8500, अगर वो रीमॉडल इंशाल्लाह हो जाता है, फेडरल गवर्नमेंट हमें फाइनेंसिंग मतलब देती है और इसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो इंशाल्लाह उसकी कैपेसिटी भी 6700 से 8500 तक आ जाएगी। नंबर 3 पे कच्ची कैनाल, इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने उसके लिए 22 बिलियन एयरमार्क किया है, बट मुझे ये पता नहीं है कि ऑथराइजेशन कितनी की गई है उसके लिए इस साल के लिए, वो अभी तक मुझे उसका नॉलेज नहीं है। बट हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की, हमारी मतलब जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है कोशिश मेरी ये है कि मिनिमम से मिनिमम पानी के लॉसेज हों, और ये कोशिश है कि मैक्सिमम हम पानी ड्रॉ करें। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि सिंध इरिगेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके और ये जो पटफीडर का इशू और किरतर का इशू उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि कुछ हम उनसे ज़्यादा पानी लें। तो मैं खाली ये एक्सप्लेन करना चाहता अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो ऑनरेबल मेंबर को कोई रिजर्वेशन है तो मैंने कहा मैं उनको बता दूँ। जी शुक्रिया जी सरदार साहब। जनाब जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने बात की थी शायद आपको समझने में वो नहीं हुई हो, मैं मदद चाहता हूँ। 2010 में जब फ्लड्स आए थे आपको याद है कि इसकी तकरीबन मोर देन 50% ये सिल्ट बार हो गया था। तो उसके बाद एक हुआ था, ये आपसे कोई मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपके दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यकीनी तौर पे इस वक्त भी जो हालत है इस वक्त टेल में पटफीटर और कीर्तर के, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो की शक्ल में या दूसरे शक्ल में वो भी मैं आपको पेश कर सकता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके वक्त में कोई हुआ है, हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और पूरे बलूचिस्तान के हमारे डिवीजन के लोगों का प्रॉब्लम है। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए आप जहां हमें कहेंगे हम आपके साथ होंगे, सूबाई हुकूमत में मरकज़ में, मगर क्योंकि आपके इलाके का भी डिपेंडेंट आप भी उसी पे हैं, हमारे बच्चों की भी रोज़ी रोटी उसी पे है, मगर इस वक्त हमारे लोगों को सख्त प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो पहले कुछ हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आपके दौर में शायद कोई बेहतरी के अल्लाह कोई रास्ता निकले। थैंक यू जी, शुक्रिया सरदार साहब।